अस्सलाम वालेकुम, प्लम्बिंग विद ज़ुल्फ़िकार में आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो से हम MCQs का एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं अपने व्यूवर्स की फरमाइश पर, जिसमें कहा गया था कि आप प्लम्बिंग थ्योरी पर भी वीडियोस बनाएं। तो जनाब, इस सीरीज़ की पहली वीडियो आपके लिए हाजिर है। इसमें आप जान पाएंगे प्लम्बिंग से रिलेटिव सवाल और जवाब इंटरनेशनल सिलेबस के मुताबिक। हर हिस्से में 25 MCQs होंगे और ये सीरीज़ का पहला हिस्सा है। अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, तो चलें वीडियो की तरफ, MCQs की तरफ, इल्म की तरफ। नंबर 1 सवाल पूछा गया है, अ मल्टी पॉइंट इंस्टेंटेनियस वाटर हीटर इज़ ऑन दैट कैन बी यूज़। मल्टी पॉइंट जो वाटर हीटर होता है हमारा, कहाँ यूज़ होता है? इसका जवाब है यूज़ टू सप्लाई अ बाथ बेसन एंड सिंक। इसको कनेक्शन इसके दिए जा सकते हैं वॉश बेसन में, सिंक में, बाथ में। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ ग्रेविटी फीड हॉट वाटर सिस्टम द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ द बॉयलर एंड द सेंटर लाइन ऑफ द सिलेंडर इज नोन एज द। इसमें पूछा जा रहा है कशिश सकल से चलने वाले गर्म पानी के निज़ाम में बॉयलर की सेंटर लाइन और सिलेंडर की सेंटर लाइन के दरमियान जो वर्टिकल फासले को क्या कहा जाता है? इसका जवाब होगा सर्कुलेटिंग हेड। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच टाइप ऑफ ट्रैप शुड बी फिटेड ऑन सैनिटेशन पाइप वर्क फॉर अ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में सफाई के पाइप पर कौन सा ट्रैप लगाया जाता है? इसका जवाब है ऑप्शन बी ट्यूबुलर एस। ट्यूबुलर एस इस तरह का होता है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टैग्नेशन ऑफ वाटर इन लार्ज कोल्ड वाटर स्टोरेज सिस्टम इज बेस्ट अवॉइडेड बाय अरेंजिंग इनलेट एंड आउटलेट। ठंडे पानी के बड़े ज़ख़ीरे के हौज़ों में पानी के जमूद से बेहतर तौर तरीक़े से इनलेट और आउटलेट का इंतज़ाम किस तरह किया जाता है? इसका जवाब है ऑप्शन ए इज़ अपोजिट एंड ऑफ द सिस्टर्न। ये जो पानी हौज़ों में, बड़े हौज़ों में होता है, जो खड़ा हो जाता है, इसको हम आउटलेट और इनलेट जो है हम अपोजिट साइड पर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विच मटेरियल इज़ यूज टू अप्लाई अ कोटिंग ऑन अ कास्ट आयरन पाइप। कास्ट आयरन पाइप पर कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते हैं? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर बेटोमेनस सॉल्यूशन। एक ब्लैक कलर का होता है जिसको हम कास्ट आयरन पाइप के ऊपर लगाते हैं करोजन वगैरह से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, विच प्रिकॉशंस इज़ टू बी ऑब्जर्व वेल कटिंग थ्रेड इन GI पाइप। जब हम GI पाइप पर थ्रेडिंग लगाते हैं तो कौन सी एहतियात हमें करनी चाहिए? आंसर इज सी टू टर्न द डाई स्टॉक एंटी क्लॉकवाइज टू ब्रेक द चिप्स। चिप्स को तोड़ने के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज को बहुत एहतियात से घुमाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मिनिमम रेडियस रिक्वायर्ड फॉर ट्यूबिंग बैंड। जब हम ट्यूब को बेंड कर रहे होते हैं तो उसका रेडियस कितना होना चाहिए? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी 5 टाइम द डायमीटर। जब भी हम कोई ट्यूब बेंड करेंगे तो उसका रेडियस जो होगा उसके डाय से 5 टाइम बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स करेक्टली डिस्क्राइब द वाटर फ्लो फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट स्टोरेज हीटर। इसमें आपसे पूछा जा रहा है मुंदरजा झेल में से कौन सी इस्तेलाह एक वाहिद पॉइंट से पानी के बहाव को सही तरीके से बयान करती है वाटर हीटर में। इसका जवाब है रिप्लेसमेंट, यानी कि मुतबादिल, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग द कमीशनिंग ऑफ अ न्यू गैस इंस्टॉलेशन पर्जिंग मस्ट बी कैरिड आउट बिफोर द इंस्टॉलेशन इज ब्रॉट इन टू अस। द रीज़न फॉर पर्जिंग इस टू। इसमें हमसे सवाल पूछा जा रहा है गैस पाइपलाइन की नई तनसीब या इंस्टॉलेशन के शुरू करने के दौरान इंस्टॉलेशन को इस्तेमाल में लाने से पहले साफ़ करना ज़रूरी है। साफ़ करने की वजह और जवाब इसका है प्रिवेंट अ पॉसिबल एक्सप्लोजन इन द इवेंट ऑफ अ ब्लू बैक वैन लाइटिंग एंड एप्लीकेशंस। किसी आले के को रोशन करने के लिए चलाते वक्त ब्लू बैग की सूरत में मुमकिन धमाके से बचने के लिए पर्चिंग ज़रूरी है। पर्चिंग का मतलब होता है हवा को अंदर को गैस को साफ कर देना। क्वेश्चन नंबर 10, टू पर्ज अ गैस सिस्टम मीन्स टू रिमूव। इसमें पूछा जा रहा है गैस पाइपलाइन के सिस्टम को चेक करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, तो पर्ज सिस्टम में क्या चीज़ रिमूव करते हैं। इसका जवाब है ऑप्शन सी एयर, हवा को उसमें से हम निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अ गैस अप्लायंस मस्ट बी वेंटिलेटेड इन ऑर्डर टू। किसी भी गैस के आले को हवादार होना ज़रूरी है, क्यों? ऑप्शन है ऑप्शन सी अलाउ द गैस टू बर्न, ताकि हम गैस की मदद से इसको जला सकें। क्वेश्चन नंबर 12 है द फाइनल टेस्ट व्हेन कमीशनिंग अ न्यू गैस इंस्टॉलेशन सिस्टम शुड बी आ। इसमें पूछा जा रहा है गैस की तनसीब का नया निज़ाम जब हम शुरू करते हैं तो हमें एक इम्तिहान करना चाहिए इस पूरी तनसीब का, इसका इंस्टॉलेशन का। वो कौन सा होगा? इसका जवाब है साउंडनेस टेस्ट। ये साउंडनेस टेस्ट, इसको लीक टेस्ट भी कहा जाता है। जब हम किसी वॉशरूम या किचन को पूरा बना लेते हैं, पाइपिंग कर देते हैं, तो उसको जो फाइनल टेस्ट करते हैं वो लीक टेस्ट करते हैं, जिसको साउंडनेस टेस्ट भी कहा जाता है। नंबर 13, हॉरिजेंटली रन सैनिटेशन पाइप वर्क फ्रॉम वेस्ट अप्लाइंसेस शुड बी क्लिप्ड एट अ मैक्सिमम ऑफ। इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि सैनिटेशन के आलात से हॉरिजेंटली तौर पर चलाए जाने वाले सफाई के पाइप वर्क को ज़्यादा से ज़्यादा कितने फासले पर क्लिप्ट करना चाहिए। इसका जवाब है ऑप्शन बी इज़ 0.9 मीटर। 0.9 मीटर के फासले पर इनको क्लिप करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन वेस्ट डिस्चार्ज पाइप आर इंस्टॉल्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसीडर आर। जब वेस्ट डिस्चार्ज पाइप इंस्टॉल किए जाते हैं तो सबसे अहम फैक्टर पर गौर किया जाता है, वो कौन सा है? इसका जवाब होगा ऑप्शन ए इज़ फ्रीडम फ्रॉम स्मेल, नीट अपीयरेंस, क्विक डिस्चार्ज। बदबू से आज़ादी, सफाई ज़ाहिरी तौर पर और जल्द खारिज होने वाला मादा। नंबर 15, द लीड फॉर अ कोल्ड वाटर स्टोरेज टैंक शुड बी। कोल्ड वाटर स्टोरेज टैंक में लीड होना चाहिए टाइट फिटिंग के साथ। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड होल्डिंग टाइम फॉर अ हाइड्रोलिक टेस्ट ऑन वाटर सर्विसेज। इसमें पूछा जा रहा है वाटर सर्विसेज पर हाइड्रोलिक टेस्ट के लिए तजवीज़ करदा होल्डिंग टाइम क्या है। जवाब होगा ऑप्शन बी 1 घंटा। जब भी हम हाइड्रो टेस्ट करेंगे, यानी कि पानी के प्रेशर से जॉइंट टेस्ट करेंगे, तो उसका जो होल्डिंग टाइम होगा वो 1 घंटा होगा। क्वेश्चन नंबर 17, अंडरग्राउंड ड्रेनेज पाइप शुड बी बेडेड इन। इसमें सवाल पूछा जा रहा है जब हम अंडरग्राउंड ड्रेनेज पाइप लाइन को बिछाते हैं तो बेडेड की जगह, यानी कि जिसके ऊपर वो रखा जाता है, वो कैसी होनी चाहिए, किस चीज़ की होनी चाहिए। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी क्रश्ड रोक, टूटे हुए पत्थर का बेड होना चाहिए, जैसा कि ये पिक्चर में नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्टेट द गाइडिंग प्रिंसिपल टू द सेटिंग ऑफ इंस्पेक्शन चैम्बर। इसमें सवाल पूछा जा रहा है मुंदरजा जेल में से कौन सा सही तरीके से मुआयने के चैम्बर्स के बैठने के रहनुमा असूल को बयान करता है। करेक्ट आंसर है बी एट ऑल सेवर जंक्शन एंड रोडिंग आई। तमाम गटर के जंक्शन और रोडिंग आईज पर यह अप्लाई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, एन इंस्पेक्शन चैम्बर इज नॉट रिक्वायर्ड एट एवरी। इंस्पेक्शन चैम्बर रिक्वायर्ड नहीं होता हर उस जगह पर। ऑप्शन है जहाँ जॉइंट हो, मतलब इंस्पेक्शन चैम्बर हमारा जहाँ होगा जहाँ मुख्तलिफ जॉइंट्स एक जगह मिल रहे होंगे, वहाँ पर हम ये अप्लाई करेंगे, हर जॉइंट पर अप्लाई नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन टेस्टिंग ड्रेन अ मोनोमीटर वाटर गेज इज़ यूज टू मेजर द, इसमें हमसे सवाल पूछा जा रहा है ड्रेन पाइप्स की जांच पड़ताल करते वक्त एक मोनोमीटर या वाटर गेज की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो जवाब इसका होगा ऑप्शन सी, इंटरनल वाटर प्रेशर के लिए मोनोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, द रेकमेंडेड होल्डिंग टाइम फॉर एन एयर टेस्ट ऑन सैनिटेशन पाइप वर्क इज, इसमें पूछा जा रहा है सैनिटेशन पाइप वर्क को टेस्ट करेंगे तो उसमें गेज का होल्डिंग टाइम क्या होगा? इसका जवाब है 5 मिनट तक इसको हम होल्ड करेंगे। एयर टेस्ट जब हम कर रहे होंगे गेज को 5 मिनट होल्ड करेंगे। अगर सुई वहीं रहती है तो ये हमारा टेस्ट पास हो जाए। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन टेस्टिंग अ सिस्टम ऑफ डिस्चार्ज पाइप वर्क फॉर साउंडनेस बाय मीन्स ऑफ एन एयर टेस्ट इट इज़ नेसेसरी टू यूज़। सवाल नंबर 23 में पूछा जा रहा है जब एयर टेस्ट के ज़रिए डिस्चार्ज वर्क के निज़ाम की दुरुस्तगी की जांच की जाएगी तो इसमें इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ऑप्शन ए इज़ अ मोनोमीटर, मोनोमीटर के ज़रिए ये साउंडनेस टेस्ट या लीक टेस्ट को हम चलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन अ लीक हैज़ बिन आइडेंटिफाइड on a drainage system during a water test, it can be repaired and the system should then be, इसमें सवाल पूछा जा रहा है जब पानी के टेस्ट के दौरान ड्रेन सिस्टम में एक लीक होने की निशानदेही हो जाए तो इसकी रिपेयरिंग की जा सकती है और फिर इस सिस्टम को, ऑप्शन है रीटेस्ट, तो फिर इस सिस्टम को हम रीटेस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट वन, on a rainwater system a son neck is found at, rainwater system जो हम लगाते हैं उसमें एक हंस की गर्दन पाई जाती है, वो कौन से पाइप है? ऑप्शन है ए इज टॉप ऑफ द डाउन पाइप, जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लू कलर का पाइप है, इसमें गर्दन से निकल रही है जिसको वो हंस से तशबीह देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का, और इसी तरह अपना प्यार दें, मेरी वीडियोस देखें प्लम्बिंग विद जुल्फ़िकार को, और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।